हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कॉलम में हमारे टाइज लगते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग टाइप्स के लगते हैं और जो हमारा कॉलम में वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे टाइज लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास एक कॉलम शेड्यूल होता है जिसमें हमारा ये डिटेल दिया होता है, ठीक है। वर्टिकल बार से लेके आपका जो रिंग उसमें लग रहा है उन सबका डिटेल आपके पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे वही फॉलो करना होता है, उसमें कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाना नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि कोई भी पूछ देता है यार, अपने बेटे किया ना किससे, सिविल से, तो मैं घर बना रहा हूं उसमें हमारा ये कॉलम है, इतना मैं सरिया दे रहा हूं, उसमें हमें रिंग लगाना है या कॉलम में सरिया देना है, तो उसको हम कैसे दें, कितने डाया का दें, ठीक है, क्या स्पेसिंग रखें। तो वहां पे फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हमें आइडिया नहीं होती तो फिर तो बात इज्जत पे आ जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है कि एक ओवरव्यू हमें मिल जाए कि कितना सरिया होगा कॉलम में, तो हम कैसा रिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। अगर कॉलम में चार सरिया है तो सिंपली उसमें आपको एक रेक्टेंगल, जो ये दिख रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टाइज प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। उसमें हुक भी होगा, इसके अलावा हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो इसमें हमारा ये रिंग लगेगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये मिनिमम 8 डाया का रखना है हमें, ठीक है, 8 डाया से कम का नहीं रखना है। और जो वर्टिकल बार है वो मिनिमम 12 डाया का रखना है। गांव में स्पेशली जो बनते हैं घर, वो 2 मंजिल 3 मंजिल इससे ज्यादा के बनते नहीं, तो उसमें 12 डाया का सरिया सफिशियंट है अगर वो केवल रहने के पर्पज से बनाया जा रहा है। अगर उस पर एक्स्ट्रा लोड आ रहा तो आप 16 डाया 20 डाया का सरिया यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी कॉलम में 6 बार है, ठीक है, वर्टिकल 6 बार है, तो उसमें रिंग जो लगेगा कुछ इस तरीके से लगेगा। इसमें देखिए, इसमें 2 नंबर अब रिंग्स लगे हुए हैं, वो देखिए और समझिए कैसे। एक रिंग तो ये है, यहां से ये आया ऐसे ऐसे ऐसे, यहां इसका हुक बन गया, ठीक है। दूसरा जो रिंग है हमारा वो ऐसे है, यहां से जाके यहां पर हुक लग गया, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों ये रिंग अपने क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन अगर जो हमारा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, जो हमारा वर्टिकल बार है उसका सेंटर टू सेंटर, अगर वो डिस्टेंस हमारा क्या है 75 mm से ज्यादा है, तो उस केस में हम ये ऐसा रिंग प्रोवाइड करेंगे। या फिर तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक मास्टर रिंग दे दें बाहर से और इसमें क्या प्रोवाइड कर दें, एक लिंक प्रोवाइड कर दें। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 75 mm से कम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली एक आउटर रिंग प्रोवाइड कर देंगे जैसा कि हमने इसमें किया था, ठीक है, एक मास्टर रिंग दे देंगे और उसके अलावा उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर 8 बार हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये डायग्राम बना रखा मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें एच पर आईएस कोड है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कॉलम में हमारा 8 सरिया है तो कुछ इस तरीके से उसका रिंग बनेगा। देखिए 3, 2, 5, 3, 8 सरिया है इसमें, ठीक है। एक तो हम मास्टर रिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसका हुक प्रोवाइड कर देंगे किसी भी सरिया में, किसी भी कॉर्नर पे, ठीक। और उसमें एक इनर रिंग प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है, ऐसे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक मास्टर रिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें हुक नहीं बना हुआ, हुक तो जरूरी है, ठीक है, एक मास्टर रिंग प्रोवाइड कर देंगे और उसमें 2 लिंक प्रोवाइड कर देंगे, एक इस साइड से ऐसे, एक दूसरा एक ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों रिंग हमारे यूज होते हैं अगर वर्टिकल बार 8 नंबर है, ठीक है। अगर तो वर्टिकल हमारा 10 बार है तो उस केस में देखिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ है। ऐसे देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या किया है, कौन सा रिंग कहां पे जा रहा है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्या है इसमें। एक तो देखिए हमारा क्या है, ये रिंग है, ये ध्यान से देखिए ये, ठीक है, यहां पे हुक लग गया, ये यहां से ऐसे, ठीक है, ये, और दूसरा हमारा ये है, ये, ठीक है, यहाँ पे हुक लग गया, यानी कि वो ओवरलैप हो रहा है, ये वाला रिंग एक ये एक ये, ठीक है, समझ आया। एक रिंग हमारा ये है, देखिए यहां से चल के ये आया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आके हुक लग गया, इधर से हुक लग गया, ठीक। और दूसरा रिंग हमारा है ये, यहां से आके इधर हुक लग गया, हुक लग गया, इधर से आके यहाँ हुक लग गया, ठीक, ये चीज क्लियर। और जो दूसरा तीसरा रिंग है हमारा वो सिंपली यहाँ पे आई है, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये इसमें कितना लगा रिंग, 3 नंबर रिंग लगे हैं। तो इसमें कितने नंबर रिंग लगे हैं, 3। ये पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, एक सेक्शन पे, ऐसा नहीं कि 3 रिंग लग जाएगा पूरे कॉलम में, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा,
एक मास्टरिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम एक मास्टरिंग प्रोवाइड कर देंगे। इसमें भी देखिए हुक नहीं है, हुक तो देना ही है, देना है, ठीक है, बिना हुक के बात बनेगी नहीं, ठीक। एक मास्टरिंग प्रोवाइड कर देंगे, उसके अलावा हमारा क्या कर देंगे, तीन लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इसी तरह से, ठीक है, समझ आ गया। अगर वर्टिकल बार 12 नंबर है तो उसमें तीन कंडीशन अप्लाई होगी। पहला है, एक तो मास्टरिंग दे दीजिए, ठीक है, इसमें भी देखिए हुक नहीं है, यहां पे दे दीजिए हुक, ठीक। उसके अलावा दो इनर रिंग दे दीजिए, ये देखिए इन दो सरियों को लेके इसका हुक यहां पे बन गया, दूसरा ये वाला ये यहां पे, यानी कि इसमें तीन रिंग लग रहे हैं, ठीक है, इसमें तीन रिंग लग रहे हैं। या तो क्या करो आप, सिंपली एक मास्टर रिंग दीजिए, ठीक है, एक मास्टर रिंग दीजिए, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या कर दीजिए, चार दे दीजिए लिंक्स, एक ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, ठीक है। या फिर जो जनरली ज्यादा यूज किया जाता है वो ये है, ठीक है, ये एक मास्टर रिंग, ठीक, उसके अलावा दो ट्रेपोजॉइडल रिंग, ठीक है। जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो या तो ये होता है या फिर ये होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपका वो सियर वाल है तो सियर वाल के केस में देखिए, अगर सियर वाल है उसकी लेंथ 750 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करिए आप, उस केस में क्या करिए, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक आधा रिंग यहां तक लाइए, ठीक है, और आधे पोर्शन का रिंग यहां से ले जाइए। जैसे इसमें देखिए मैंने क्या कर रखा है, ये वाले रिंग यहां से आके इसमें यहां आके ये हुक बन गया, ठीक है, तो दूसरा ये वाला यहां पे, ठीक है, पहला वाला यहां तक आ रहा, दूसरा वाला इधर से इधर, ठीक है, यहां से ये है हमारा दो नंबर मान लीजिए, और ये जो हमारा यहां से यहां है ये एक नंबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये क्या प्रॉपर बाइंडिंग हो गई इसकी, किसकी, शेयर वॉल की। अब इसमें क्या करिए, लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, हर सरिया में, हर एक सरिया में क्या करिए, लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपका इसका रिंग लग जाएगा, ठीक है। अगर एल शेप में है, अगर एल शेप में है तो एक रिंग आप यहां प्रोवाइड कीजिए मास्टर एंड टू एंड, दूसरा यहां एंड टू एंड, ठीक है, उसके अलावा जो इनर पोर्शन है उसमें आप लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बात क्लियर हो गई, तो आई होप आपको एक जनरल व्यू मिल गया होगा कि हमें रिंग किस टाइप के और कैसे लगाने हैं, अगर हमारा रिइंफोर्समेंट बार वर्टिकल दिया हुआ है कि हमारे पास कितना है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, हमें रिंग कैसे लगाना है अगर वर्टिकल बार का हमें सरिया पता है कितना नंबर है, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए, इस टाइप से आप लगा सकते हो। अगर आपको वर्टिकल बार का नंबर नहीं दे दिया, किसी ने कॉलम का साइज दे दिया, ठीक है, तो आपको कितना सरिया उसमें देना है, कितना नंबर सरिया, ठीक है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, ठीक है, बीबीएस का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने बता रखा है कि कितना नंबर आप वर्टिकल बार लगेगा, वो कैसे, उसका स्पेसिंग के बारे में मैंने बता रखा कि आपको मिनिमम स्पेसिंग कितनी लेके चलनी है, ठीक है, वो वीडियो आप जाके देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पता हो गई वर्टिकल बार की कितना रखना है मिनिमम, तो आप सरिया का नंबर निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वो आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर कोई भी आपसे पूछ लेता है कि जी हम अपना घर बना रहे हैं, हमारे कॉलम का साइज ये है, हमें कितना वर्टिकल बार प्रोवाइड करना चाहिए और रिंग कैसे लगाना है वो बता दीजिए जरा, तो आप उसको बता सकते हो अभी, ठीक है। सो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, थैंक यू।